हेलो वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स, मैं वैभव आपका दोस्त आपका होस्ट स्वागत करना चाहूंगा और एक नई वीडियो में। दोस्तों एडवेंचर एक्टिविटीज इन कच्छ का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हो और फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। दोस्तों आप अपनी फैमिली, आप अपने फ्रेंड्स या आप अपने सर्कल के साथ, किसी भी टाइप के सोशल ग्रुप के साथ अगर आप स्पेंड करना चाहते हो फुल डे पिकनिक विद एडवेंचर, तो एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। मैं आपसे खास से कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप जरूर से फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, जिसके अंदर हमने जो है डिस्कस किया है सारे कुछ पैकेज की डिटेल, एंड साथ ही साथ हमने विजिट किया है हमारा एडवेंचर साइट जो कुछ से 17 किलोमीटर दूर है, और वहां पे कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं वो सारा शेड्यूल मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया हुआ है। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। इसमें भी हम काफी सारे जो है एडवेंचर एक्टिविटीज करेंगे, ऑफ रोड जीप सफारी करेंगे, ज़िपलाइन क्रॉसिंग करेंगे, स्विमिंग पूल में एंजॉय करेंगे और बर्ड्स और काफी सारे जो एनिमल्स वगैरह है उसको भी देखेंगे। सो चलिए करते हैं आज नया एक्सपीरियंस, देखते हैं हमें क्या क्या है एडवेंचर करने मिलते हैं। और दोस्तों एक खास बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इस पैकेज को बुक करना चाहते हैं, इस पैकेज की डिटेल्स देना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फुल डिटेल जो है वो दिया हुआ है। इनकेस फिर भी आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपका जितने भी डाउट्स है वो मुझे आप पूछ सकते हैं, आपको जो है वो सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या एक्सपीरियंस करने मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अभी हम करने जा रहे हैं जिप लाइन क्रॉसिंग। सो देखते हैं क्या हमें थ्रिल मिलता है, जो बहुत ही थ्रिलिंग है। आगे की जो पीछे के साइड जो हम हिल्स देख रहे हैं वहाँ पे हम इवनिंग टाइम में भी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। और दोस्तों ये सारी जो चीज़ें होती है वो पैकेज में इंक्लूड होती है, सो कोई अलग से इसका जो है एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं होता। अभी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे एडवेंचर एक्टिविटीज सारी, और अभी हम जाएंगे पूल नहाने के लिए, रिफ्रेशमेंट लेने के लिए, क्योंकि रिफ्रेश होना भी जरूरी है और नून टाइम में थोड़ी गर्मी भी लग रही है। सो यहाँ पर ये भी फैसिलिटी है, सो एंजॉय करेंगे और उसके बाद टूटेंगे हमारे लंच के ऊपर। लेट्स गो। सो एडवेंचर एक्टिविटीज करने के बाद अभी हम लेंगे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट। स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, रेन डांस भी अवेलेबल है और म्यूजिक सिस्टम भी आप जो है यूज कर सकते हैं। एंड yes. काफी बड़े बड़े स्पीकर हैं, दिखाओ प्लीज दिखाओ उसको। बिल्कुल पीछे की साइड आप देख सकते हो बहुत ही बड़े स्पीकर है यहाँ पे, म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है आप यूज कर सकते हो, रेन डांस में एंजॉय कर सकते हो एंड स्विमिंग आवर्स को भी एंजॉय कर सकते हो। कोई भी पूल भी दिखाइए भाई। हाँ, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त पूल है। वीडियो में आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन इसकी जो लेंथ है काफी मतलब बड़ी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। आगे भी हम वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे बेबी पूल भी है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, छोटे स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, तो भी आपको लिए एक परफेक्ट जो है प्लेस साबित हो सकता है। दोस्तों एक बात खास बता देना चाहूँगा कि हम जो ये सारे एक्टिविटीज करते हैं इनके बहुत सारे फायदे हैं और स्विमिंग के भी बहुत सारे जो है हमें बेनिफिट्स हैं। स्विमिंग के तो मैं कहूंगा भाई बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। बिल्कुल। एक तो आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा अगर आप रेगुलर कर रहे हो, आपके जो मसल्स हैं एकदम टाइट रहेंगे, मतलब मजा आएगा आपको, आप रिफ्रेश फील करोगे, पम्प्ड अप फील करोगे। यस।
और ठंडक होगी भाई, मजे आएंगे और मजे आएंगे और क्या चीज़। तो बस एंजॉय करो अनलिमिटेड स्विमिंग आवर्स को, और एडवेंचर एक्टिविटीज करने के बाद जो आपका बॉडी है उसका टेम्परेचर भी बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा, काफी अच्छा हो जाएगा स्विमिंग पूल में नहाने से। आप बहुत सारे फायदे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ब्लड सर्कुलेशन भी काफी अच्छा रहेगा और आप मेंटली फ्रेश रहोगे और मेंटली हेल्दी रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात कही, बढ़िया, मतलब एडवांटेजेस। राइट राइट, आप जो है यहाँ पे इतना अच्छा फील करोगे ना कि इसके लिए कोई वर्ड से नहीं है। मैं बताता हूँ भाई, मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करोगे, एंट्री करते ही आपके अंदर एक जबरदस्त एनर्जी आ जाएगी, आप खुद एक्साइटमेंट फील करोगे कि हाँ भाई आज तो मजा आने वाला है ना। और दूसरी अच्छी बात क्या है बता, यहाँ की कि आप एक एक्टिविटी करना शुरू करते हो, कुछ आपने स्टार्टिंग की एक्सप्लोर करना, तो दूसरी एक्टिविटी आएगी, तीसरी आएगी, मतलब सरप्राइज पे सरप्राइज मिलता जाएगा। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है भाई, आप थकोगे नहीं यार, और अगर थक भी गए तो पीछे स्विमिंग पूल है, पीछे स्विमिंग पूल है, एंजॉय करो, रिफ्रेशमेंट लो। एंड दोस्तों, एक और भी एक बात बताना चाहूँगा मैं कि हम जो एक्टिविटीज़ सारी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ भी हैं, हम जो है थोड़ा पीसफुल, आपको रिलैक्सेशन करना है तो रिलैक्सेशन के भी काफ़ी सारे सोर्सेस हैं, और भी इवनिंग तक बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलने वाली, और फोटोज़ और सेल्फीज़ के भी आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। आप फैमिली के साथ आ रहे हो, आपकी ग्रुप में अगर बच्चे वगैरह हैं, तो दोस्तों हम बुक्स में और किताबों में काफ़ी सारा जो है उनको नॉलेज मिलता है। आज जो है घर पे बैठे बैठे वो इंटरनेट पे पूरी दुनिया देखते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो आओगे नेचुरल एक्सपीरियंस करोगे, जैसे कि सारे बर्ड्स वगैरह की जो है जो भी एनिमल स्पीसीज वगैरह हैं वो नेचुरली आप देखोगे, उसे टच करोगे, तो उसका जो फील होगा वो टोटली डिफरेंट होगा दोस्तों। सो और इवनिंग तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें और भी करनी है, सो बस एनर्जी बरकरार है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। बर्ड वॉचिंग के लिए, और काफ़ी सारे छोटे मोटे एनिमल स्पीसीज भी है, और काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के बर्ड्स भी हमें यहाँ पे देखने मिलेंगे। सो अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप्स है और बच्चे वगैरह आ रहे हैं तो उनको भी काफ़ी पसंद आएगा। सो जलपेश भाई, कहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी? सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आइए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बर्ड आपने कहीं पे देखा हो तो, इसको हम राम तित्तर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं गिनी फॉर। ओके, और ये अपने काफ़ी सारी जगह पे आपको दिखाई देंगे। कच्छ के अंदर बेसिकली ये अपने को नारायण सरोवर में दिखाई देते हैं ज़्यादातर, जो नारायण सरोवर कोटेश्वर है, जो हमारे लास्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है, जो हम आगे भी कवर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका आपको लिंक भी मिल जाएगा, अगर आपको लास्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया वाला वो देखना है तो वहाँ पे ये जो है बर्ड का स्पीसीज जो है पाया जाता है। और भी देखो दोस्तों, क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप आ रहे हो तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो ठीक होती है, साथ ही साथ आपको काफ़ी सारी जो है इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे जानने मिलेगी, समझने मिलेगी। बुक्स में तो हम काफ़ी सारे बर्ड्स एनिमल्स वगैरह देखते हैं, लेकिन बच्चों को यहाँ आके जो रियल एक्सपीरियंस मिलेगा, रियल वे सारे चीज़ों से नेचर से कनेक्ट होंगे, तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होगा। राइट, यस सर, डेफिनेट। अब हम देखेंगे स्पैरो। स्पैरो में हमारे पास बहुत सारे कलरफुल स्पैरो है, आप देख सकते हैं, इसको हम लव बर्ड्स बोलते हैं। हाँ, प्यार से। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे बहुत सारे जो चिड़िया हम जिसको बोलते हैं उसकी काफ़ी सारी स्पीसीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। देखेंगे जंगल के सबसे प्यारे सबसे क्यूट एनिमल को, वो है रैबिट्स। आइए जी, बहुत ही क्यूट सा बेबी रैबिट, अरे यार बहुत ही सॉफ्ट है, छोटे बच्चों को ये जो है नेचर के साथ क्लोज होना बहुत ही जरूरी है।
तो दोस्तों आप कहीं पे भी जू वगैरह में जाते हो तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप ये सारे एनिमल को जो है वो टच नहीं कर सकते, प्रॉपरली देख नहीं सकते। यहाँ पे आप जो है इनके साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो और बहुत ही फ्रेंडली नेचर के जो है एनिमल से, भले ही वाइल्ड एनिमल हो लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। और भी एक पीछे है, पीछे हमारे पास है, वो है आपने स्टुअर्ट लिटल देखी हो मूवी, तो उसके अंदर हम एक चूहा आता है उस, yes. उसका नाम है गिनी पिग, वो ब्रीड का नाम है। okay. आप देख सकते हैं, आइए। okay. ये देख सकते हो आप गिनी पिग जो एक चूहा है बेसिकली, लेकिन कितना फ्रेंडली नेचर का है आप देख सकते हो और कितना प्यारा भाई। नेक्स्ट जो है बर्ड का स्पीसीज जो है क्या है वो, इसका नाम है कड़कनाथ, कड़कनाथ का नाम। हाँ, स्पेशली वो चिकन की एक प्रजाति है, यानी कि मुर्गे की एक प्रजाति है, और इनकी खासियत जो है वो जलपेश भाई बताएंगे हमें। ये जो कड़कनाथ नेते उनका जो ब्लड रहता है वो काला रहता है, हड्डियाँ काली रहती है, ये उनकी आँखें भी काली रहती है, ये सिर्फ एग्स मींस के वाइट देते हैं, बाकी सब काला रहता है। मीट मीट उनकी हड्डियाँ उनके सारे कुछ, उसका पूरा बॉडी पूरा काला रहता है। एंड ये जो मुर्गे हैं वो यूज़ होते हैं, मतलब जो मुर्गे वगैरह फाइट वगैरह जो करते हैं उसके लिए यूज़ किए जाते हैं बहुत सारी जगहों पर, जो मुर्गा की कुश्ती वगैरह होती है उसके लिए। दोस्तों जो भी ट्रैकिंग लवर्स हैं जिनको हिल क्लाइंब करना वगैरह पसंद है, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी ऑप्शंस है जो हमारे पैकेज में इंक्लूड ही रहता है। पूरा एक लेक साइड है और एक फॉरेस्ट वाला है, फॉरेस्ट से होके हमें पूरा एक हिल तक जाना रहता है। यहाँ पे बहुत ही फेमस एक टेम्पल भी है, आशापुरा टेम्पल, वो विज़िट करना होता है। तो हम एक इंफोटेनमेंट सेशन भी रखते हैं, मतलब कि जो आजकल के जो भी टीनएजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, और भी काफ़ी सारे जो है इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, करियर गाइडेंस जैसे काफ़ी सारे जो है वो इंफरटेनमेंट सेशन होते हैं, जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, यानी इसलिए वो हम उसको इंफोटेनमेंट बोलते हैं। यस सर, जैसे कि अब देखिए इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है, मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी आप मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो उतना ही अच्छा है, तो इसके ऊपर भी एक सेशन होगा। दूसरा, जैसे वैभव ने कहा कि भाई अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो यूट्यूब के ऊपर कैसे ग्रो करना है उसके बारे में भी होगा, सोशल मीडिया के ऊपर आपको कैसे ग्रो करना है, अपना बिजनेस कैसे ऑनलाइन ग्रो करना है, तो बहुत कुछ होगा भाई, मज़ा आएगा, साथ में एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों अभी इवनिंग हो चुकी है एंड अभी हम आते हैं हमारे वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। दोस्तों ये एडवेंचर लवर के लिए एक बहुत ही परफेक्ट प्लेस साबित हो सकता है, और हमने तो हमारी ओर से सारी कुछ चीज़ें आपको दिखा दी, एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अगर रियल एक्सपीरियंस लेना है तो आपको यहाँ पे खुद ही आना होगा। आप फैमिली टूर कर सकते हो, किसी सोशल ग्रुप में हो, आपके ग्रुप में बच्चे हैं तो आपको जो ये लोकेशन काफ़ी पसंद आने वाला है, और काफ़ी सारा एडवेंचर कर सकते हो, एक फुल डे पिकनिक प्लान कर सकते हो, और वो भी एकदम बजटेड रेट में। दोस्तों अगर आपको इसी पैकेज के रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और पैकेज के रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको जो है डायरेक्टली मिल जाएगी।
सो बस दैट्स इट फॉर टुडे। बस अब ज़्यादा सोची मत आप और जल्दी से यहाँ पे आ जाइए भाई, क्योंकि वीडियो में आप जो देख रहे हो वो वीडियो है। आपको अगर रियल में एक्सपीरियंस करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जल्दी से आइए भाई, देरी मत कीजिए। और तो बस दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी अच्छा सा रिव्यू हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट के जरिए जरूर से बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल वैभव ब्लॉग्स को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले किसी भी वीडियोज़ को आप मिस ना करें और एंजॉय कर सके। बस मिलते हैं नए वीडियो में, करेंगे किसी नए जगह को एक्सप्लोर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। एडवेंचर करते रहिए, बस एडवेंचर करते रहिए, एडवेंचर मौज करते रहिए। इसके अलावा भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है होटल बुकिंग का, व्हीकल हायरिंग का, गाइड हायरिंग का, या फिर कोई कस्टमाइज टूर पैकेजेस का, या फिर आपको किसी भी टाइप की स्पेशल परमिशन चाहिए या लोकेशन चाहिए अपने मूवी शूट या वीडियो शूट के लिए, तो भी हम प्रोवाइड करते हैं। आप हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको दिया हुआ है। व्हाट्सएप के जरिए इंस्टेंटली आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड भी कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप भी हमारी सोशल मीडिया फैमिली का हिस्सा बनने के लिए फॉलो कर सकते हो हमें हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिसके जरिए आपको हमारे सारे ट्रैवल अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे।